दोस्तों आईपीएल 2023 के लिए सभी टीमों के स्क्वायर इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल में दिखाने वाले हैं। आपको ये वीडियो देखकर अंदाजा लग जाएगा कि आईपीएल 2023 के लिए कौन सी टीम सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे कि किस टीम के पास कौन से बल्लेबाज, कौन से ऑलराउंडर्स, कौन कौन से विकेट कीपर्स और कौन से गेंदबाज हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। शुरुआत हम करते हैं टीम मुंबई इंडियंस से, जो 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जीत चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं बल्लेबाजों की। इस टीम के पास कप्तान रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा जैसे शानदार इंडियन बल्लेबाज तो पहले से ही थे, और पिछले सीजन इन्होंने टिम डेविड और डेवाल्ड ब्रेविस जैसे धाकड़ ओवरसीज बल्लेबाजों को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया था। विकेट कीपर्स की बात करें तो इस टीम ने ट्रिस्टन स्टब्स और ईशान किशन जैसे आक्रामक खिलाड़ियों को पहले ही रिटेन करके रखा था, और अब अनकैप्ड खिलाड़ी विष्णु विनोद भी इस टीम के विकेट कीपर के लिस्ट में आ चुके हैं। ऑलराउंडर्स की बात करें तो कैमरन ग्रीन और ड्वान जेंसन, दो विदेशी ऑलराउंडर्स को इस बार के ऑक्शन में मुंबई ने खरीदा। उनके अलावा इस टीम में रमनदीप सिंह, अर्जुन तेंदुलकर, अर्शद खान जैसे 3 इंडियन ऑलराउंडर्स पहले से ही थे जिन्हें रिटेन किया गया था, और अब शाम्स मुलानी और नेहाल वडेरा को भी ऑलराउंडर्स के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। गेंदबाजी में मुंबई के पास जोफ्रा आर्चर हैं, जिन्हें मुंबई ने पिछले सीजन ही मेगा ऑक्शन में खरीदा था, और इस बार जेसन बहरन ड्रॉप और जाय रिचर्डसन को खरीद कर मुंबई ने अपनी गेंदबाजी काफी ज्यादा मजबूत कर ली है। वहीं इंडियन बॉलर्स में जसप्रीत बुमराह, स्पिनर पीयूष चावला, ऋतिक शौकीन, कुमार कार्तिकेय, आकाश मधवाल और राघव गोयल हैं जो गेंदबाजी का पूरा जिम्मा संभालेंगे। अब जरा चेन्नई सुपर किंग की टीम देखिए कि ऑक्शन के बाद ये टीम कैसी है। सबसे पहले इस टीम के बल्लेबाज और विकेट कीपर्स देखिए। इस टीम के पास कप्तान एमएस धोनी जैसे शानदार विकेट कीपर खिलाड़ी हैं। उनके अलावा अंबती रायडू और न्यूजीलैंड के शानदार बल्लेबाज डेवन कॉनवे भी चेन्नई के लिए विकेट कीपर की जिम्मेदारी संभालेंगे। इन तीनों के अलावा बल्लेबाजों में चेन्नई के पास ऋतुराज गायकवाड़ पहले से ही थे, और इस बार चेन्नई ने अजिंक्य रहाणे को भी खरीद लिया है। और इस टीम के पास अनकैप्ड बल्लेबाजों में सुब्रांशु सेनापति और शेख रशीद जैसे अच्छे खिलाड़ी हैं। इस टीम के पास स्पेशलिस्ट बल्लेबाज इसलिए कम हैं क्योंकि इस टीम में ऑलराउंडर्स काफी ज्यादा हैं। इंग्लैंड के मोइन अली, न्यूजीलैंड के मिचेल सेंटनर, साउथ अफ्रीका के ड्वेन प्रिटोरियस को तो चेन्नई ने रिटेन करके रखा था, और इस बार चेन्नई ने बेन स्टोक्स जैसे खतरनाक ऑलराउंडर को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया है। इन ओवरसीज ऑलराउंडर्स के अलावा इस टीम में रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, राजवर्धन हंगरेकर, भगत वर्मा, निशांत सिंधु और अजय मंडल जैसे इंडियन ऑलराउंडर्स भी हैं। चेन्नई के गेंदबाजों की बात करें तो श्रीलंका के स्पिनर महेश थिक्षाना और श्रीलंका के ही तेज गेंदबाज मथीशा पतिराना जो मलिंगा की तरह गेंदबाजी करते हैं, इन दोनों को चेन्नई ने रिटेन करके रखा था, और इस बार न्यूजीलैंड के काइल जेमिसन को भी चेन्नई ने खरीद लिया है। इंडियन गेंदबाजी में इस टीम के पास दीपक चहर, मुकेश चौधरी, सिमरनजीत सिंह, प्रशांत सोलंकी और तुषार देशपांडे जैसे गेंदबाज हैं जो चेन्नई को एक बार फिर चैंपियन बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर बात करें ऋषभ पंत की टीम दिल्ली कैपिटल्स की, आइए देखते हैं ये टीम अब कैसी है। सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज देखिए। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर और वेस्ट इंडीज के रॉबमैन पॉवेल जैसे धाकड़ बल्लेबाजों को तो दिल्ली ने रिटेन करके ही रखा था, और इस बार के ऑक्शन में दिल्ली ने साउथ अफ्रीका के शानदार बल्लेबाज रिले रोसो को भी खरीद लिया है। इन विदेशी बल्लेबाजों के अलावा पृथ्वी शॉ, सरफराज खान, रिपल पटेल और यश दूल जैसे इंडियन बल्लेबाज पहले से ही इस टीम में थे जिन्हें रिटेन किया गया था, लेकिन अब मनीष पांडे को भी इस टीम ने खरीद लिया है। दिल्ली कैपिटल्स के पास सिर्फ 2 ही स्पेशलिस्ट विकेट कीपर्स हैं, एक टीम के कप्तान ऋषभ पंत और दूसरे इंग्लैंड के फिल साल्ट। दिल्ली कैपिटल्स के पास ऑलराउंडर्स कोई ज्यादा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श, इंडिया के अक्षर पटेल और ललित यादव ही इस टीम के ऑलराउंडर्स थे, और इस बार दिल्ली ने ट्रेड के जरिए ऑलराउंडर अमन खान को भी अपनी टीम में शामिल किया। भले ही इस टीम के पास ऑलराउंडर्स की कमी है, लेकिन दिल्ली के पास गेंदबाजों की कोई कमी नहीं है। बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान के अलावा इस टीम में साउथ अफ्रीका के एनरिच नाकिया और लुंगी अंगिरी जैसे 2 खतरनाक गेंदबाज हैं। वहीं इंडियन गेंदबाजों में चेतन सकारिया, खलील अहमद, कुलदीप यादव, कमलेश नागरकोटी, विकी ओसवाल
और प्रवीण दुबे जैसे गेंदबाज इस टीम ने रिटेन करके रखे थी। और वहीं इस बार दिल्ली कैपिटल्स ने ईशांत शर्मा और मुकेश कुमार को खरीदकर अपनी गेंदबाजी और ज्यादा मजबूत कर ली है। शाहरुख खान की टीम केकेआर की बात करें तो ये टीम दो बार आईपीएल की चैंपियन रही है, लेकिन इस बार इनकी टीम कैसी है आइए देखते हैं। सबसे पहले इस टीम के बल्लेबाज देखिए, कप्तान श्रेयस अय्यर, मिडल ऑर्डर बैट्समैन रिंकू सिंह और नीतीश राणा इस टीम के पास पहले से ही थे और इस बार इन्होंने मनदीप सिंह को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया है। इतना ही नहीं, केकेआर ने इस ऑक्शन में तीन शानदार विकेटकीपर बल्लेबाज भी खरीदे हैं। इंडिया के नारायण जगदीशन के अलावा बांग्लादेश के लिटन दास और अफगानिस्तान के रहमानुल्ला गुरबाज। अब जरा केकेआर के ऑलराउंडर्स देखिए, वेस्ट इंडीज के खतरनाक ऑलराउंडर आंद्रे रसल तो इस टीम के पास पहले से ही थे, लेकिन अब केकेआर ने बांग्लादेश के साकिबुल हसन और नामीबिया के डेविड विसे जैसे ऑलराउंडर को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया है। इनके अलावा शार्दुल ठाकुर, वेंकटेश अय्यर और अनुकूल रॉय जैसे इंडियन ऑलराउंडर्स भी इस टीम का हिस्सा हैं। अगर गेंदबाजों की बात करें तो इस बार केकेआर ने लॉकी फर्गसन को वापस अपनी टीम में ले लिया है, जो पिछले साल गुजरात टाइटंस की तरफ से खेले थे, जबकि वेस्ट इंडीज के सुनील नारायण और न्यूजीलैंड के टीम साउदी जैसे गेंदबाजों को केकेआर ने पहले ही रिटेन करके रखा था। इनके अलावा इंडियन गेंदबाजों में वरुण चक्रवर्ती, महेश यादव और हर्षित राणा इनके रिटेन्ड खिलाड़ी थे। और इस बार के ऑक्शन में केकेआर ने कुलवंत खेजरोलिया, वैभव अरोड़ा और सुहास शर्मा को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया है। मिनी ऑक्शन के बाद पंजाब किंग्स की टीम कैसी है आइए देखते हैं। ये टीम भी अभी तक अपनी पहली ट्रॉफी तलाश रही है। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब के बल्लेबाजों की। श्रीलंका के भानुका राजापक्षा के अलावा इस टीम के पास शिखर धवन भी हैं, जिन्हें अब पंजाब ने अपना कप्तान बना दिया है। पावर हिटर बल्लेबाज शाहरुख खान भी इस टीम का हिस्सा हैं और इस बार के ऑक्शन में पंजाब ने हरप्रीत भाटिया को भी खरीदा है। इनके अलावा पंजाब के पास कुछ विकेट कीपर्स भी हैं जो शानदार बल्लेबाजी करते हैं, जैसे कि इंग्लैंड के जोनी बेयरस्टो, इंडिया के जितेश शर्मा और प्रभसिमरन सिंह। अगर पंजाब के ऑलराउंडर्स की बात करें तो ऑक्शन में इस टीम ने सैम करन को 18.5 करोड़ की बोली लगाकर खरीदा। उसके बाद उन्होंने जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया। लियाम लिविंगस्टोन जैसा धाकड़ ऑलराउंडर तो इस टीम के पास पहले से ही था। वहीं इंडियन ऑलराउंडर्स में ऋषि धवन, राज अंगद बावा और अथर्वा टैडे को पंजाब ने रिटेन करके रखा था। और ऑक्शन में उन्होंने दो और इंडियन ऑलराउंडर्स लिए, शिवम सिंह और मोहित रथी। पंजाब किंग्स के गेंदबाजों की बात करें तो इस टीम के पास साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसोर बाड़ा के अलावा ऑस्ट्रेलिया के नेथन एलिस हैं और वहीं इंडियन गेंदबाजों में स्पिनर हरप्रीत बराड़, राहुल चहर, बलतेज सिंह और टीम इंडिया में जगह बना चुके अर्शदीप सिंह जैसे खिलाड़ी हैं। और इस बार के ऑक्शन में पंजाब ने एक और गेंदबाज विद्वत्थ केवरप्पा को भी खरीदा है, जिनसे पंजाब को काफी ज्यादा उम्मीदें होंगी। अगर बात करें आईपीएल की सबसे फेवरेट टीम आरसीबी की, तो इस टीम की मजबूती का यहीं से पता चल जाता है कि ये टीम स्ट्रांग है या नहीं। जिस टीम के पास विराट कोहली जैसा बल्लेबाज हो, फाफ डुप्लेसिस जैसा धाकड़ बल्लेबाज और कप्तान हो और मिडल ऑर्डर में युवा रजत पाटीदार हो, तो उस टीम की बल्लेबाजी का वहीं से अंदाजा लग जाता है कि पूरी टीम कितनी खतरनाक होगी। इस बार तो आरसीबी ने इंग्लैंड के विल जैक्स को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया है और अनकैप्ड इंडियन खिलाड़ी सुहास प्रभुदेसाई भी शानदार बल्लेबाज हैं। इतना ही नहीं, इस टीम के पास विकेट कीपर्स भी ऐसे हैं जो बल्लेबाजी में धमाल मचाते हैं। न्यूजीलैंड के आक्रामक ओपनर फिन एलन, इंडिया के ओपनर अनुज रावत और शानदार फिनिशर दिनेश कार्तिक आरसीबी को इस बार आईपीएल जितवाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आरसीबी के ऑलराउंडर्स की बात करें तो देखिए, इस टीम में ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल, इंग्लैंड के डेविड विले और श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा जैसे विदेशी ऑलराउंडर्स खिलाड़ी हैं, तो वहीं इंडिया के ऑलराउंडर्स शाहबाज अहमद और महिपाल लोमरोर जैसे खिलाड़ी तो पहले से ही आरसीबी की टीम में थे, लेकिन इस बार दो और इंडियन ऑलराउंडर्स सोनू यादव और मनोज को भी आरसीबी ने अपनी टीम में शामिल कर लिया है। अगर इस टीम के गेंदबाज देखें तो ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड को आरसीबी ने रिटेन करके रखा था और इस बार के ऑक्शन में इंग्लैंड के रिस टॉपली को भी आरसीबी ने खरीद लिया है, जबकि इंडियन गेंदबाजों में मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल, सिद्धार्थ कौल, स्पिनर करण शर्मा और आकाशदीप जैसे गेंदबाजों को आरसीबी ने पहले ही रिटेन करके रखा था। और ऑक्शन में इस बार उन्होंने राजन कुमार, हिमांशु शर्मा और अविनाश सिंह को भी अपने गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल कर लिया है। अब जरा उस टीम की बात करते हैं जो पिछले सीजन चैंपियन थी।
टीम गुजरात टाइटंस। सबसे पहले बात करते हैं इस टीम के बल्लेबाजों की। इनके पास साउथ अफ्रीका के डेविड मिलर तो पहले से ही थे और इस बार इन्होंने न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को खरीदकर अपना मिडल ऑर्डर और भी ज्यादा मजबूत कर लिया है। इनके अलावा इंडिया के शुभमन गिल और अभिनव मनोहर जैसे शानदार बल्लेबाज भी इस टीम का हिस्सा हैं। इतना ही नहीं, इस टीम के पास कुछ ऐसे विकेट कीपर्स हैं जो अपनी शानदार बल्लेबाजी से मैच का नतीजा पलट सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू वेड, इंडिया के रिद्धिमान शाह और केएस भरत। इनके अलावा अब गुजरात ने विकेट कीपर उर्विल पटेल को भी खरीद लिया है। देखना होगा कि उन्हें प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा या नहीं। अगर बात करें इस टीम के ऑलराउंडर्स की, तो इस टीम में हार्दिक पांड्या और राहुल तेवतिया जैसे ऑलराउंडर्स पहले से ही थे और इस बार इन्होंने बिग हिटर ऑडिन स्मिथ को भी खरीद लिया है। इनके अलावा विजय शंकर, साई सुदर्शन और दर्शन नालकंडे जैसे कुछ खिलाड़ी भी इस टीम के पास हैं, जो गेंद और बल्ले दोनों से कमाल कर सकते हैं। इस टीम की गेंदबाजी भी शानदार है। वेस्टइंडीज के अलजारी जोसफ, अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान और नूर अहमद जैसे ओवरसीज खिलाड़ी इनके पास पहले से ही थे और इस बार गुजरात ने आयरलैंड के तेज गेंदबाज जोश लिटल को भी खरीद लिया है। इतना ही नहीं, इनके पास इंडियन गेंदबाजों में मोहम्मद शमी, यश दयाल, प्रदीप संगवान, जयंत यादव और साई किशोर जैसे गेंदबाज भी हैं और इस बार गुजरात ने शिवम मवी और मोहित शर्मा को भी अपने गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल कर लिया है। अब बात उस टीम की करते हैं जिसने आईपीएल की पहली ही ट्रॉफी जीतकर सबको हैरान कर दिया था, टीम राजस्थान रॉयल्स। सबसे पहले राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज देखिए। इनके पास वेस्ट इंडीज के शिमरॉन हेटमायर पहले से ही थे और अब इन्होंने ऑक्शन में जो रूट को भी खरीद लिया है। इनके अलावा इंडियन बल्लेबाजों में देवदत्त पड़िकल, रियान पराग और यशस्वी जायसवाल जैसे शानदार युवा खिलाड़ी भी इस टीम की बैटिंग को मजबूती देते हैं। इतना ही नहीं, राजस्थान के पास विकेट कीपर्स में इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज जॉस बटलर पहले से ही मौजूद थे और अब इन्होंने साउथ अफ्रीका के डोनोवान फरेरा को भी खरीद लिया है। वहीं इंडियन विकेट कीपर्स में आक्रामक खिलाड़ी संजू सैमसन और अनकैप्ड खिलाड़ी ध्रुव जुरेल को राजस्थान ने रिटेन करके रखा था और इस बार कुणाल राठौर को भी इन्होंने खरीद लिया है। इस टीम के पास ऑलराउंडर्स की कमी थी तो इन्होंने वेस्ट इंडीज के जेसन होल्डर को खरीद कर वो कमी भी पूरी कर ली है। वहीं इंडिया के रविचंद्रन अश्विन, आकाश वशिष्ठ और अब्दुल बसित भी इस टीम के ऑलराउंडर होंगे। अब जरा इस टीम के गेंदबाज देखिए। न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट और वेस्ट इंडीज के ओबेड मैकॉय को तो इन्होंने रिटेन करके ही रखा था और इस बार इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर एडम सांबा को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया है। वहीं इंडियन गेंदबाजों में प्रसिद्ध कृष्णा, केसी करियप्पा, नवदीप सैनी, कुलदीप यादव, कुलदीप सेन, केएम आसिफ और शानदार स्पिनर युजवेंद्र चहल भी इसी टीम का हिस्सा हैं और ऑक्शन में राजस्थान ने मुर्गुन अश्विन को भी खरीद लिया है। केएल राहुल की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो ये टीम पिछली बार तो ट्रॉफी नहीं जीत सकी थी। आइए इस टीम का पूरा स्क्वाड देखते हैं। सबसे पहले उसके बल्लेबाज और विकेट कीपर्स देखते हैं। कप्तान केएल राहुल, मनन वोहरा और आयुष बदोनी। वहीं विकेट कीपर्स में इस टीम के पास साउथ अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक पहले से ही थे और अब इन्होंने ऑक्शन में निकोलस पुरन पर बड़ा दाव लगाकर उन्हें भी अपनी टीम में शामिल कर लिया है। इस टीम के पास ऑलराउंडर्स की कोई कमी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के मार्कस स्टोइनिस और वेस्ट इंडीज के काइल मेयर्स जैसे शानदार ऑलराउंडर्स तो इस टीम के पास पहले से ही थे और इस बार भी इन्होंने वेस्ट इंडीज के रोमारियो शेफर्ड और ऑस्ट्रेलिया के डेनियल सैम्स जैसे ऑलराउंडर्स खरीद कर अपनी बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही मजबूत कर लिए हैं। इतना ही नहीं, इंडिया के कृष्णप्पा गौतम, करुणाल पांड्या, दीपक हुडा और करण शर्मा जैसे ऑलराउंडर्स भी इनके पास पहले से ही थे और इस बार इन्होंने युद्धवीर चारक, स्वप्निल सिंह और प्रेरक मानकाट को भी खरीद लिया है। लखनऊ की गेंदबाजी की बात करें तो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड तो इस टीम के पास मौजूद थे जिन्हें रिटेन किया गया था और अब अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज नवीन उल हक भी इस टीम के साथ जुड़ चुके हैं। वहीं इंडियन गेंदबाजों में मोहसिन खान, रवि बिश्नोई और मयंक यादव को इन्होंने रिटेन किया था और इस बार के ऑक्शन में लखनऊ ने यश ठाकुर, शानदार स्पिनर अमित मिश्रा, तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट और आवेश खान को भी खरीद लिया है। और आखिर में अब देखते हैं आईपीएल 2023 के लिए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम कैसी है। सबसे पहले इस टीम के बैट्समैन देखिए। साउथ अफ्रीका के एडन मार्करम इस टीम के पास पहले से ही थे
और इस बार इस टीम ने इंग्लैंड के हैरी ब्रूक को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया है। इंडियन बल्लेबाजों में राहुल त्रिपाठी और अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ी इस टीम के पास थे जिन्हें रिटेन किया गया था, और इस बार इस टीम ने मयंक अग्रवाल और अनमोल प्रीत सिंह को भी खरीद लिया है। अब जरा इस टीम के विकेट कीपर्स देखिए। साउथ अफ्रीका के एनरिच क्लासन और न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स इस टीम के शानदार विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। वहीं इन्होंने इंडिया के दो अनकैप्ड खिलाड़ी भी खरीदे हैं, उपेंद्र यादव और नीतीश कुमार रेड्डी। ऑलराउंडर्स की बात करें तो इस टीम के पास साउथ अफ्रीका के मार्को येंसन इकलौते विदेशी ऑलराउंडर हैं। इनके अलावा इंडिया के वाशिंगटन सुंदर और अब्दुल समद को इन्होंने रिटेन करके रखा था, और इस बार के ऑक्शन में हैदराबाद ने सनवीर सिंह, विवरांत शर्मा, समर्थ व्यास और मयंक डगर जैसे अनकैप्ड इंडियन ऑलराउंडर्स खिलाड़ियों को भी खरीद लिया है। और अब इस टीम के गेंदबाज देखिए। अफगानिस्तान के फाजल हक फारूकी को तो इन्होंने रिटेन करके रखा था, और इस बार के ऑक्शन में इन्होंने इंग्लैंड के स्पिनर आदिल रशीद और वेस्ट इंडीज के अकील हुसैन को भी खरीद लिया है। और वहीं इंडियन गेंदबाजों में मयंक मारकंडे को भी हैदराबाद ने खरीदा, जबकि कार्तिक त्यागी, उमरान मलिक, भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन जैसे खतरनाक तेज गेंदबाज इस टीम के पास अब पहले से ही मौजूद थे। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सी टीम सबसे ज्यादा खतरनाक है और कौन सी टीम आईपीएल 2023 की ट्रॉफी जीतेगी? आप अपनी राय कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।